इतना इरिटेट हो रहा है ना, सही में बहुत बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है कि ये इसे भी अभी आना था कि। और ये हो गया है मेरा पचका। अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अब मैं उठ चुकी हूँ, अभी टाइम हुआ है 9:30 o'clock, मतलब सुबह के मॉर्निंग के 9:30 हो रहे हैं और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। मेरी आँखों में आपको लग ही रहा होगा। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं अच्छे से उठ जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, मतलब ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो मैंने ब्रश भी कर लिया है, अब चलते हैं सीधा किचन में। और अभी मैं अपना दूध गर्म कर लूँगी और सबसे पहले तो ये उल्टी की जो दवाई है वो मुझे खाना है। तो चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना रूटीन, जो मेन रूटीन है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। दूध गरम करने रख दिया है, ये जो अभी फ्रेश आया वो वाला दूध है और ये कल का बचा हुआ दूध है। तो उसे मैं दोनों को गरम करने रख दूँगी अच्छे से। और तब तक हम आगे क्या करते हैं, तो दूध गरम करने रख दिया है, अब मैं आ रही हूँ टीवी ऑन करने। तो मॉर्निंग को मैं जो है वो सबसे पहले तो सॉन्ग सुनती हूँ, माइंड को थोड़ा फ्रेश करती हूँ, अच्छे तरीके से उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो अपने डेली के काम स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम टीवी ऑन कर लिया है, अब सॉन्ग्स लगा लेंगे। और ये फिर से चैनल अटकना स्टार्ट हो गए हैं, इसका ये डेली का प्रॉब्लम बन चुका है। दूध गर्म होने तक मैं अपने बालों को जो बिखरे बिखरे लग रहे हैं बहुत ज्यादा, तो बाल बना लूंगी, उसके बाद मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले एलोवेरा जेल अप्लाई कर लूँगी फेस पर, फेस जो है वो बहुत ड्राई लग रहा था इसलिए मैं एलोवेरा जेल लगा लूँगी। और ये हो गया है मेरा पचका, दूध को उबाल आ चुका था तो ज़्यादा वेस्ट नहीं हुआ, पर थोड़ा सा जो है वो वेस्ट हुआ है, ऐसा ही होता है जब मेरा ध्यान नहीं रहता है। तो इसमें तो उबाल आने का ही है। सो मैंने बाल बना लिए हैं, किचन में मैं दूध को उबाल आने का वेट कर रही हूँ। और गाइस सबसे बुरा क्या हुआ है ना, अभी कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में मेरी गोद भर आई है और ये देखिए कितना बड़ा पिंपल आ चुका है, इतना इरिटेट हो रहा है ना, सही में बहुत बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है कि ये इसे भी अभी आना था कि। मैं क्या ही बताऊँ आपको, जाने दो छोड़ो, देखते इसका भी कुछ ना कुछ इलाज मिल ही जाएगा और होप्स हो ये 2-3 दिनों में ठीक हो जाए। अगर आप मुझे कुछ रेकमेंड करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि मैं इसके लिए क्या करूँ। ये दूध को उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, हस्बैंड ने ना कल बहुत ही छोटे बर्तन में दूध ले लिया, पता नहीं उन्हें क्या सूझा क्या नहीं सूझा, तो इतने से बर्तन में उन्होंने दूध ले लिया है। और अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी अगर इसको उबालते टाइम
हम नहीं रहे। ओके, तो दूध उबल चुका है फाइनली, अब आगे के काम स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना प्रोटीन पाउडर ले लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ, चीनी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। और इसमें मैं अपना जो चॉकलेट प्रोटीन पाउडर है वो ऐड कर रही हूँ, और 4 से 5 केसर की डंडी, और उसमें दूध ऐड कर दूँगी। तो ये है मेरा सबसे मॉर्निंग का जो ड्रिंक है, प्रोटीन पाउडर मैं ले लेती हूँ। तो इसके बाद फिर देखते हैं। तो मैंने अपना दूध पीकर ख़त्म कर दिया है। अब जो है ये मेथी की सब्ज़ी आज मैं खाने के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ लंच के लिए। तो ऐसे में हरी सब्ज़ी आपको खानी ही चाहिए। मैं मेथी की सब्ज़ी और दाल बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये तोड़ लूँगी, फिर उसके बाद जो है खाने का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो सबसे भी तोड़ के हो चुकी हैं, अब चलते हैं खाना प्रिपेयर करते हैं, लंच बनाते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं जो है मेथी की सब्ज़ी को भिगोने रख दूँगी नमक डालकर। नमक डालकर भिगोने रखने से क्या होता है ना, जो कड़वापन होता है मेथी का वो निकल जाता है। तो 10 मिनट तक मैं भिगोने रख दूंगी। यहाँ पर मैं दाल उबलने के लिए चढ़ा दूंगी, इसमें मैंने ऑयल और हल्दी डाली है। और फिर इसके बाद मैंने कुकर गैस पर रख दिया है। यहाँ पर मैं मेथी की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्याज, फिर उसके बाद में बटानी, नमक और फिर मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर मैं लास्ट में ऐड करती हूँ, तब तक मैं आटा भिगो दूंगी। तो यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं और फिर इसे अच्छे से हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसे ढककर रख देंगे और ये हमारी सब्ज़ी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने कुकर की भी फ्लेम बंद कर दी है, दाल भी पक चुकी है। तो जब तक कुकर ठंडा होता है तब तक मैं ये जो मच्छरदानी वगैरह है, बेड जो है वो ठीक कर लेती हूँ। फिर बाकी के जो काम है, रोटी बनाना, दाल करना है, तड़का देना है, तो तब तक मैं अपना बेड वगैरह सब ठीक कर। तो बेड लगाकर हो गया है मेरा। अब ये जो धोने के कपड़े हैं, मतलब वॉश करने के कपड़े हैं, वो मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, ताकि यहाँ पर मेरे कपड़े भी धोकर रेडी हो जाए और साथ ही साथ मेरे दूसरे काम भी होने स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन लगा लूँगी। सबसे पहले इसमें मुझे पानी डाल देना है। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए, जो भी जितने भी कपड़े धोने के थे। तो पाइप लगा लिया है मैंने यहाँ पर, और फिर साथ ही में मैं इसके कपड़े धोना स्टार्ट कर दूँगी। मतलब पानी का जो टैब है वो ऑन कर दिया है और यहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो चुका है। तो तब तक मैं दाल को तड़का दे दूँगी। तो दाल तड़का देने के लिए मैं यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, राई ऐड कर रही हूँ, करी लीव्स और टमाटर। टमाटर डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और फिर यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। टमाटर को अच्छे से गलने देंगे, दाल को ऐड कर देंगे और ये हमारी दाल रेडी है। सो इसके बाद यहाँ पर पानी भी हो चुका है मशीन में, तो मैं टैब बंद कर दूंगी और यहाँ पर जो है सर्फ
पाउडर डाल दूंगी और फिर मशीन को ऑन कर दूंगी। तब तक हमारे बाकी काम हो जाते हैं और यहाँ पर भी कपड़े धुलकर रेडी हो जाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि गोद भराई की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं घर की सफाई कर रही हूँ। जो रैक है उसे मैं साफ कर रही हूँ, उसे मैं अच्छे से घस लूँगी ताकि जो भी गंदगी धूल उस पर बैठी थी वो निकल जाए, अच्छे से साफ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ और आज इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था ना कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी है। बर्तन लगा लूँगी उसमें मैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या है। और ये घर का हाल कुछ ऐसा है, सब बिखरा पड़ा हुआ है, पर पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में मैं ये सब समेट लूँगी। तो ये है आज का लंच, दाल रोटी मेथी की सब्ज़ी और चावल। तो यहाँ पर मैं अपना लंच पहले कर लूँगी, उसके बाद सारे काम करूँगी, क्योंकि खाना खाना बहुत ज़रूरी है, भूखे पेट नहीं रह सकते ऐसे में ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं खाना खा लूँगी, इसके बाद मैं वॉक करती हूँ वैसे तो, पर आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए मैं खाना खाने के बाद डायरेक्ट काम पर लग गई थी। तो जो कपड़े धुल गए थे उसे मैंने ड्रायर में ड्राई कर दिए हैं और फिर यहाँ पर ऊपर मैं कपड़े सुखाने आ गई हूँ। कपड़े सुखा लूँगी अच्छे से और फिर उसके बाद में फिर जो बाकी के काम है वो हम अपने कर लेंगे। तो ये हो गए हैं कपड़े, मैंने सुखाने डाल दिए हैं। अब मैं फिर से नीचे आ चुकी हूँ, बर्तन जो पड़े थे काफ़ी सारे उसे मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे अपने जो बर्तन है वो साफ़ कर रही हूँ अच्छे से और फिर उसके बाद आगे के जो काम है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो बर्तन भी धुल कर हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी जो दोपहर की टैबलेट है वो ले लूँगी, दो टैबलेट होती हैं, एक कैल्शियम की और एक जो D9 करके है वो टैबलेट ले रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने टैबलेट ले ली है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी सभी रूम्स को। तो यहाँ जो साफ़ सफाई करने में ही है ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है और काफ़ी बड़े बड़े रूम्स हैं तो उसमें भी टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से सभी रूम को मैंने झाड़ू लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो बेडरूम का और जो मेरे इन-लॉज का रूम था वो साफ़ करके हो गया है, मतलब झाड़ू लगाकर हो गया है। यहाँ पर मैं अब गैस जो है और गैस का टॉप जो होता है मतलब किचन टॉप वो सब मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी अच्छे से और फिर उसके बाद मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आगे और कितने काम बचे हैं। बहुत सारे काम थे गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी।
तो हॉल और जो कॉरिडोर था उसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, झाड़ू लगा लिया है। अब मैं पोछा लगा रही हूँ, फर्श को साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हॉल को तो पहले कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में मैं यहाँ पर अपने जो बेडरूम्स है वो साफ़ कर लूँगी। मैं टीवी ऑन थी वहाँ पर, और ये रिश्ता क्या कहलाता है पहले का जो पार्ट था नायरा कार्तिक वाला, वो वाला चल रहा था, तो आपको दिखा भी होगा। तो बस अब मैं पोछा लगा लूँगी, फिर उसके बाद मेरे काम फाइनली ख़त्म हो जाएंगे। तो मिलते हैं। सो गाइस, मेरे काम कंप्लीट हो चुके हैं, बस सिर्फ नहाना बचा है। और मेरे चेहरे की हालत देखिए आप, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे पैर, मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं। आज बहुत ज़्यादा काम भी हो चुके हैं, पर एनीवेज चलिए मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैं नहा कर आ चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, पर इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि अब मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है कि मैं आगे कुछ और कर पाऊँ। तो मैं सीधे रेस्ट करने जा रही हूँ। तो 4 बज चुके हैं दोपहर के या शाम के, आप जो भी बोलो। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ना ही बाल किए हैं, ना ही कुछ भी किया है, मुझे सिर्फ अभी थोड़ा देर आराम करना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। तो गाइज, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।